फन, जैसा कि आप इंतजार कर रहे थे कि पीजी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल कब आएगा, तो फाइनली आपका शेड्यूल रिलीज हो चुका है। और आपने ये तो देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट आपका ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। पहले आप जो आपके पास पहले एक मेल आया था, उसके बाद में एक और नया मेल आपके पास आया, क्योंकि पहले वाले मेल में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखो क्या शेड्यूल है, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो देखो ये है आपका ऑफिशियल काउंसलिंग और ब्राउचर, तो देखिए इसमें ये है 23, इसमें क्या लिखना, 30% सीट्स आपकी, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 30% और 100% सीट्स आपकी आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और आरएलबीसीयू झांसी और आरपीसीयू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपकी 100% सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल होंगी। अब इसका क्या शेड्यूल है देखिए, आपको कब से कब तक क्या करना है, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगा। तो देखो जैसा कि अभी आपका आ चुका है, तो आपको क्या करना है, देखो 22 से 22 तक, देखो 22 तक आपको अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पेमेंट करना है, पेमेंट रजिस्ट्रेशन और आपका चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ आपको इस टाइम तक कंप्लीट कर देना है। इस टाइम तक जैसे आप इसको कंप्लीट कर देते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें आपको जो चॉइस फिलिंग, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस फिल करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर आइडिया नहीं होता। अगर आइडिया है तो आप फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है कि काउंसलिंग करने में, तो आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे जो भी नंबर दिख रहा है उसमें मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हो। देखो उसके बाद में देखो आपका फर्स्ट राउंड, 4 राउंड तक आपका प्रोसेस होगा। देखो पहले आपका फर्स्ट राउंड, देन उसके बाद में सेकेंड राउंड, उसके बाद में आपका देखिए थर्ड राउंड, और इसके बाद में आपका फोर्थ राउंड, ठीक है ना, ये 4 राउंड तक आपका। उसके बाद में अगर 4 राउंड के बाद में भी आपको सीट नहीं मिलता है, तो उसके बाद में मॉप अप राउंड कराया जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट राउंड आपका 25 को आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई कराए जाते हैं, फिर आपको अपना सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करना होता है। तो ये प्रोसेस आपका फर्स्ट राउंड है, सेम है सेकेंड राउंड में होगा, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट इसमें प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको आप जाके पढ़ सकते हो अच्छे से, ये चीज़ आपको बहुत सारा हेल्प करेगा काउंसलिंग में, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि और आपको पता चला होगा कि फाइनली इसका शेड्यूल क्या है, और इसको आप डिटेल में देख सकते हो, मैं इसको आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और जिन भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होता है काउंसलिंग में, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि जिसका 599 रुपीज़ फी है, वो फी ज्वाइन करने के बाद मैं आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आपको गाइड भी करूंगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।